फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एसी को विंटर में कैसे यूज करते हैं। एसी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल एसी और दूसरा ऑल वेदर एसी। नॉर्मल एसी को हम केवल समर में यूज कर सकते हैं और ऑल वेदर एसी को हम विंटर, समर और रेनी सीजन तीनों में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑल वेदर एसी के एसी रिमोट को कैसे यूज करते हैं। ये सैमसंग ऑल वेदर एसी का रिमोट है। इसमें ऊपर देखो, सबसे ऊपर एक मोड का ऑप्शन है। इससे हम तीन मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम बटन दबाएंगे, पहले बटन दबाने से पहले देखो इसमें कूल लिखा हुआ है, फिर जैसे हम दबाएंगे ड्राई आ गया, और फिर इसको दबाने के बाद में ये फैन आ गया, और फिर ये हीट का ऑप्शन आता है। हीट के ऑप्शन को हम यूज करके हम विंटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल एसी के ऑप्शन में हीट का ऑप्शन नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम नॉर्मल एसी में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वो हीट करने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता। जो नॉर्मल एसी होता है वो ठंडी ही हवा फेंकेगा, चाहे आप उसको कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर ले। अगर उसमें हीट का ऑप्शन नहीं होगा तो वह गर्म हवा नहीं फेंकेगा। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि नॉर्मल एसी को सिर्फ हम समर में यूज कर सकते हैं और ऑल वेदर एसी को हम विंटर, समर और रेनी सीजन तीनों में यूज कर सकते हैं। हम अपने एसी का टेम्परेचर 24 पर सेट करके रखेंगे, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए हमेशा में ध्यान रखना है कि हम 24 पर सेट करके ही अपने एसी को चलाएं, तो हमारा एसी ज्यादा इफेक्टिव कूलिंग और हीटिंग करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।